Today we are discussing how a plant's leaves get water from the roots. Everyone knows that is a leaf. And leaf needs water. Needs water for photosynthesis. For photosynthesis to make glucose. This water very कहाँ से ये वाटर आता है रूट से तो रूट में इतने ऊपर हाइट तक अगर आपको ले जाना है पानी बहुत हाइट हो सकता है उसकी हाइट मान लीजिए 20 फीट हाइट हो तो 20 फीट अगर आपको पानी ऊपर ले जाना है तो कोई ना कोई प्रेशर होना चाहिए जो कि उसमें पानी को ऊपर तक पहुंचा दे तो यहाँ पे एसेंट ऑफ सेल्फ हम लोग पढ़े बताया गया है आपके पास एसेंट ऑफ सेल्फ एसेंट ऑफ सेल्फ में हम लोग पढ़ेंगे कि जो पानी है वो रूट से किस तरह से लीव्स तक जाएगा अरे वो बोले इसको नोट कर लीजिए लीव्स में रूट के माध्यम से रूट गेयर से वो पहुंचेगा साइलम तक ब्रांचेस में जो लीव्स होती हैं वो ट्रांसपायरेशन करती हैं और ट्रांसपायरेशन के दौरान लीव से वाटर लॉस होता है जब लीव से वाटर लॉस हो तो यहाँ पे इस रीजन में वाटर का कमी होने लगता है जैसे ही यहाँ पे वाटर का कमी होता है और नीचे वाटर ज्यादा रहता है रूट्स के पास तो यहाँ पे एक सक्सेशन प्रेशर होता है वो जैसे ये सक्सेशन प्रेशर उसी प्रकार से जैसे कि जब आप किसी ग्लास में एक स्ट्रॉ डालते हैं सक करते हैं तो उस सक्सेशन प्रेशर से क्या होता है उस स्ट्रॉ से जूस आपके मुंह से और मुंह से गले तक चले जाते हैं तो ये भी जाना उसी तरह से ट्रांसपायरेशन क्या कर रहा है एक सक्सेशन का काम करेगा सक्सेशन के द्वारा पानी रूट से कहां तक चल जाएगा लीव्स तक यहाँ पे तीन फैक्टर्स मैटर करेंगे पहला पायरेशन दूसरा एरोजन और तीसरा सरफेस टेंशन तो कोहेशन एडहेशन और सरफेस टेंशन का मतलब क्या है ये प्रॉपर्टीज है वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच लगने वाले जो प्रॉपर्टीज होती है जो फोर्स होगा जो वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में लगने वाला फोर्स वो होता है कोहेशन एडहेशन मतलब क्या कि जो ट्रैकेट्स जो है जाइलम के जो ट्रैकेट्स हैं इन वॉल के बीच में जो वाटर मॉलिक्यूल्स ऐसे चिपक जाते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं एडहेशन कोहेशन मतलब कि जो दो वाटर मॉलिक्यूल्स है ये दो से ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल से आपस में किस तरह से ऐसे जुड़े हुए ये हुआ हम लोगों का कोहेशन ये हुआ कोहेशन एंड ये हुआ एडहेशन द थर्ड वन इज सरफेस टेंशन कोई भी मॉलिक्यूल्स क्या चाहता है कि वो ज्यादा स्टेबल रहे और वाटर मॉलिक्यूल्स जब ज्यादा स्टेबिलिटी की बात करते हैं तो वो चाहते हैं कि अपना सरफेस एरिया जितना कंजर्व कर सके जितना बचा सके कम कर सके उस हिसाब से वो अरेंज होते हैं इसलिए इसलिए सरफेस टेंशन उनके क्या होता है कम होना चाहिए और कम सरफेस टेंशन होने के लिए इनको जो शेप मिलती है वो क्या होती है रॉक एक स्फेरिकल शेप मिलती है तो इन प्रॉपर्टीज की वजह से कैपिलैरिटी आती है ये कैपिलैरिटी का मतलब क्या है कैपिलैरिटी का मतलब होता है जब भी आपने कभी ग्लास में इस तरह से रखा हुआ वाटर तो आपने जब उसमें स्ट्रॉ डाला तो इस स्ट्रॉ में ऑटोमेटिकली क्या होता है पानी का लेवल ग्लास के पानी के लेवल से ऊपर उठ जाता है तो ये जो फोर्स की वजह से लगा इसको इस प्रॉपर्टी को हम लोग कैपिलैरिटी कहते हैं तो कैपिलैरिटी इन सारे तीन कारणों से आती है और इसी कारण के साथ से
साथ साथ इसमें हम लोग ऐड करेंगे सक्सेशन प्रेशर। ये जो सक्सेशन प्रेशर है, सक्सेशन प्रेशर है, इन दोनों की वजह से पानी रूट से लीव्स पर जाता है। Thank you for watching.